बुंदेलखंड किसान बाय गिरीश कुमार। चलिए आज हम छतरपुर में स्थित गायत्री मंदिर के दर्शन करें, प्राचीन मंदिरों में से एक। चलिए चलते हैं मंदिर की, देख सकते हैं अब बहुत अच्छा मंदिर, देख सकते हैं मंदिर गायत्री शक्ति कितना प्राचीन और भव्य मंदिर है, देख सकते हैं। जब भी आप छतरपुर आइए तो गायत्री मंदिर जरूर आइए, बड़ा ही प्राचीन और भव्य बड़ा मंदिर है। जैसे प्रवेश करते हैं सामने ही देखिए आप किताबों का स्टॉल लगा हुआ गायत्री मंदिर, काफी सारी बुकें यहाँ पर मिलती है गायत्री परिवार की ओर से। देखिए पूरा स्टॉल, जैसे प्रवेश करते हैं अपन मंदिर में यहाँ पर देखिए आप, देखिए जैसे अपन मंदिर में प्रवेश करते हैं देखिए आप पुस्तकों का भंडार है। चलिए जानते हैं मंदिर के, चलिए जानते हैं कुछ यहाँ। बताइए सर आपका नाम क्या है? अशोक कुमार गुप्ता। अच्छा, किस प्रकार की किताबें यहाँ पर मिलती हैं? यहाँ गुरु जी के साहित्य पूरा जो घर परिवार के लिए अच्छा और स्वास्थ्य को लेकर और आपके गायत्री मंत्र को लेकर जो अच्छी गुरु जी ने दिया है ज्ञान वो सब किताबों में, परिवार निर्माण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, व्यक्ति निर्माण और इन सबको लेकर गुरु जी ने लिखा है वो सब इस किताबों में समाहित है। देखिए हर प्रकार की किताबें यहाँ पर, सामाजिक सोशल जो किताबें चल रही हैं आज के टाइम पर सब यहाँ पर मिलेंगी। अगर देखिए आप छतरपुर जिले में कहीं भी चाहिए आपको गुरु जी संबंधित तो यहाँ पे आपको हर प्रकार का भंडार पुस्तकालय में उपलब्ध है। आगे आप गुरु जी ने 3800 तरह की किताबें लिखी हैं जिसमें हर तरह संपूर्ण विकास मतलब मनुष्य का आध्यात्मिक शारीरिक विकास और घर गृहस्थी का सब विकास के लिए यहाँ उपलब्ध ऐसा है गुरु जी का, जिसको पढ़ के आदमी अपना लाभ उठा सकता है, देश के उद्धार के देश के उत्थान के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद आपका। चलिए आगे चलते हैं मंदिर में, जैसे अपन प्रवेश करते हैं सबसे पहले गुरु जी यहाँ पर मिलते हैं। देखिए आप गायत्री परिवार के गुरु जी, देखिए आप यहाँ से शुरुआत होती है। देखिए यहाँ पर किताबें प्राचीन कालीन के यहाँ साहित्य मौजूद है, देखिए आप पूरा भंडार है यहाँ, प्राचीन कालीन साहित्य मौजूद है। परम पूज गुरुदेव ने चारों वेदों का भाष्य किया है, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 20 स्मृतियाँ, दर्शन सभी का हिंदी में परम पूज गुरुदेव ने भाष्य किया हुआ है, वो साहित्य यहाँ उपलब्ध है। और अखंड ज्योति पत्र का जो 1940 से निरंतर प्रकाशित हो रही है, आज भी लाखों की संख्या में प्रकाशित होती है और हजारों की संख्या में यहाँ से प्रतिमाएँ साधकों को अखंड ज्योति पत्र का पहुँचती है और लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं अखंड ज्योति के माध्यम से, लोग इंतजार करते हैं कि पत्र का कब आए और हम इसका स्वाध्याय करें। दर्शन बहुत सारे देखिए माता के द्वार पर पहुंच चुके हैं, देखिए ये है साक्षात गायत्री माँ। चलिए महाराज से कुछ जानते हैं। हाँ महाराज नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव है, मैं शांतिपुंज हरिद्वार से यहाँ परिवाजक के रूप में परम पूज गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ समयदान करने के लिए आया हूँ और मैं यहीं पर रहता हूँ। ये वेद माता गायत्री शक्तिपीठ मंदिर है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा वेद मूर्ति तपोनिष्ठ देवऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जनवरी 1982 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। तब से यहाँ निरंतर सेवा पूजा कार्य आध्यात्मिक चेतना जगाने का कार्य निरंतर चल रहा है और निरंतर प्रगति की ओर है। आजकल नवदुर्गा चल रही है तो यहाँ 5 कुंडी यज्ञ संस्कारशाला में यज्ञशाला में प्रतिदिन होता है और सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और इस समय कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना की विशेष आहुतियाँ भी यहाँ प्रदान की जाती हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक कुंड पर 5 लोगों को बिठा करके यज्ञ कराया जाता है, संस्कार कराए जाते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने। तो संस्कार परंपरा गायत्री विद्या जो लुप्त प्राय थी परम पूज्य गुरुदेव ने उसका पुनः जागरण किया है और संस्कार परंपरा का पुनर्जागरण परम पूज्य गुरुदेव ने किया है। आज लाखों लोग परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पढ़ करके अपना जीवन को बदला है और एक नई दिशा प्राप्त की है। तो आप जो भी
हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस आध्यात्म केंद्र पर आएँ और परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का दर्शन करें, उनके विचारों को जानें कि परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन जीने की कला सिखाई है, कि जीवन हमें कैसा जीना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन जीने की कला सिखाई है। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक विचार होता है, गुरु एक तत्व होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा है, मैं व्यक्ति नहीं है, विचार हूँ। असली पूंजी धन नहीं, विचार होता है। जिस व्यक्ति का विचार महत्वपूर्ण होता है, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए विचारों को निरंतर अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से हम जीवन में श्रेष्ठ फल को पाते हुए चले जाएंगे। बड़ी प्राचीन है, बताया पूरी जानकारी। अगर छतरपुर आइए तो गायत्री मंदिर में जरूर आइए, गायत्री परिवार से जरूर जुड़िए, बड़े ही आपको शांति मिलेगी। देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देंगे।